इनसे ऐसा हस्तांतरण। हाँ सिराज, दो सवाल हैं। अभी नेक्स्ट सीरीज आने वाला है, उसको लेके कुछ खास प्लानिंग है? और विराट, वीके भाई, हम पिछले दो दिनों से आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके भाई से बात कर रहे हैं, बार बार ये हो रहा है कि वीके भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके इस करियर में। वीके भाई के बारे में बताइए, इस सीरीज में उनसे बात हुई है, उसका उसको लेके कोई कोई बात हुई उनसे सीरीज की जीत के बाद, और आगे की क्या प्लानिंग है? पहले तो पहले तो आरसीबी ने मुझे बैक किया, जो मेरा इतना खराब सीजन गया था 2018 में, तो आरसीबी ने बैक किया और मुझे रिटर्न किया। विराट भाई मुझे हमेशा बैक करते हैं कि तुझ में है दम, तू कर सकता है, बस कर, ज्यादा सोच मत कि मैं से ये बात। मम्मी के साथ भी आपका बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ बड़े डीप बॉन्ड्स हैं। हाउ डिड शी रिसीव यू, क्या खिलाया आपको आज? हैदराबादी बिरयानी खिलाई? नहीं, जैसा मैं घर इंटरव्यू आया, मॉम रोने लग गई थी, बट मैं स्ट्रांग बन के उनको पॉजिटिव दिया, तो घर पे चिकन बिरयानी ऐसा कुछ नहीं था कि नहारी पाए खाए, बहुत दिन के बाद घर का खाना खाने को मिला, अच्छा लगा घर का खाना खाकर। फर्स्ट विकेट लिए वक्त कैसा खुशी महसूस हुई आपको? आप जब पांचवा विकेट लिए थे आप तो ऊपर रह गए थे, पिताजी का याद करे थे सीधा फिफ्थ विकेट वाले, उसके उनके लिए डेडिकेट करेंगे क्या? हाँ, मैं कोसी भी विकेट ले रहा था, मैं डैड को डेडिकेट कर रहा था हर गेट मेरा, और महंगा अग्रवाल का जो सेलिब्रेशन था वही था कि सेलिब्रेशन डैड को डेडिकेट करे वो सेलिब्रेशन हर विकेट। आप कभी सोचे थे क्या सीरीज शुरू होने से पहले कि पांच विकेट लेंगे आप इंडिया के मेन बॉलरों? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, बट टीम में इतनी इंजर्ड होने से मतलब हर कोई मुझ पर ट्रस्ट कर रहा था कि अच्छा कर रहा है, तो तू है अभी लीडिंग बॉलर है अभी, तो मेरे ऊपर प्रेशर था, बट चैलेंजिंग भी था मेरे लिए कि ये चीज़ करना, बट मुझे चैलेंज करना बहुत पसंद था, तो मैं वही चीज़ पे मेरा काम था कि बस प्रेशर बिल्ड करे बैट्समैन के लिए और एक ही जगह एरियाज पे हिट करते जाए, कि मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर था कि मैं ज़्यादा ट्राई ना करूं, तो वही बेटर ऑप्शन था टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। स्मिथ का विकेट बहुत क्रूशियल था क्या मैच में? हाँ, स्मिथ का विकेट क्यों बोले तो मेरे हाथ से कैच भी छूट गई थी वो, तो मेरे लिए भी ऊपर प्रेशर था वो कैच छूटने पर, फिर जैसा मैं बॉलिंग पे आया और कॉटन बॉल में भी ग्रीन की कैच छूटी तो ज़्यादा प्रेशर था, फिर उसके बाद स्मिथ की विकेट मिलने से हमारी टीम के लिए भी हेल्पफुल हुआ और मेरे लिए भी ज़रा प्रेशर रिलैक्स हुआ। अभी आपका करियर अभी कैसे देखेंगे अब आगे? अभी क्या, अभी तो रिलैक्स नहीं होना है मुझे, और मैं इंडिया के लिए खेलते जाऊँ और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहूँ, यही है मेरा ड्रीम कि ज़्यादा रिलैक्स ना हो, ये सिर्फ परफॉर्मेंस की तरह मैं बस सोचूँ कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस गया, बट यहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँ मेरे परफॉर्मेंस को। जैसे आपने वहाँ का जो क्राउड था, उनका जो आपने सुना उसको आपने हैंडल किया, क्या उससे ज्यादा यहाँ पे मीडिया में आके आपको वो रियलिटी चेक दिख रहा है कि आप कितने बड़े हीरो हो गए हो और इंडिया में काफी सारे लोगों ने आपको मॉब की बॉब में किया होगा? ये तो है कि वहाँ के ऑस्ट्रेलिया क्राउड भी मतलब अब्यूज करने लगे, तो मतलब वो चीज़ मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाई वो चीज़ के मेरे, और मैं वो चीज़ को लेके मैं गेम पे अफेक्ट होने नहीं दिया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इट्स ओके ये तो मीडिया चलता है। सो सिराज, उसी का सब क्वेश्चन, आप समझते हैं कि जस्टिस हुआ था उस मामले में जो अनरूली बिहेवियर था? सिराज आपके साथ जो अनरूली बिहेवियर हुआ था उसमें जस्टिस हुआ बोल के आप सोचते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो अभी जैसे ऑडियंस है अभी वहाँ पर, अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं जस्टिस मिलेगा या नहीं। जब मेरा जो काम था मैं वहाँ पर खड़ा रह के मैं अपने कैप्टन को बोला कि ऐसा अब्यूज हो रहा है मेरे लिए, तो जैसा ने अज्जू भाई ने भी बोला कि अंपायर बोल रहा था आप लोग गेम छोड़ के जा सकते हैं, तो रहने भाई ने बोला कि नहीं हम लोग गेम छोड़ के क्यों जाए, हम लोग क्रिकेट से रेस्पेक्ट करते हैं क्रिकेट को, हम गेम छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग ही उन लोगों को बाहर कर सकते हैं, हम लोग तो गेम की छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के बोल। हाय सिराज, हेलो,
this side. Siraj. I'm Sartaj from iNews. So all these serious questions apart, let me ask a funny question. So you have taken 13 wickets, right? Whose wicket was your favorite? My favorite wicket is Manas Labuschagne. Favorite wicket is Manas Labuschagne ki. क्योंकि जो वो सिचुएशन पे विकेट होना इम्पोर्टेंट था और मैं वो सिचुएशन पे ओवर में दो विकेट लिया और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे मानस लभूषण की। सिराज सिराज इधर सिराज एक आपका जो प्रीवियस ये टेस्ट सीरीज से पहले थ्री वन डे और जो टी ट्वेंटी का जो लिमिटेड ओवर्स का जो था वो उतना ग्रेट नहीं रहा आपका परफॉर्मेंस अदरवाइज आईपीएल को छोड़ दो मतलब कंपैरेटिवली अभी जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा निकली आपकी हाईएस्ट विकेट तेरा बेस्ट बॉलिंग चली वाइफर मिला सब कुछ आपका जो प्रीवियस देखा गया तो आप सूट रेड बॉल के लिए ज्यादा सूट करते थे आप क्या समझते हैं कंपैरेटिवली लिमिटेड ओवर्स से आप इसमें बेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के लिए आप ए सीरीज या एवरीथिंग व्हाटएवर अभी जो अभी आप माइक ले पहले तो मैं व्हाइट बॉल जब मेरा डेब्यू हुआ था मैं ज़्यादा प्रेशर ले लेता था और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती थी तो अब जैसे जैसे मैं मैचेस खेलने गया तो मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा आईपीएल से और जैसे आरसीबी ने मुझे बैक किया ये सिचुएशन पे जो मेरा इतना ख़राब सीजन चल रहा था मेरा और जो आरसीबी ने मुझे ट्रस्ट दिखाया और विराट कोहली ने जो बैक किया मुझे वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस की बात थी और व्हाइट बॉल की पिच भी मतलब बॉलर की चांसेस बहुत रेयर रहते हैं टी20 में तो मुझे हेल्पफुल हुआ ये टी20 में जैसे आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया ये कंपेयर की बात जैसा हमने के मेन बॉलर बुमराह हुए थे तो वो ही मुझे अदर एंड से सपोर्ट करते थे मतलब जब मैं दो मैचों उनके साथ खेला तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे हर बॉल टू बॉल बोल रहे थे कि ज़्यादा ट्राई नहीं एक जगह रखने के लिए बोल रहे थे फिर उसके बाद मेरा एक स्पेल खराब हुआ था लेनिंग फोर्थ टेस्ट में तो बुमराह भी बोल रहे थे ज़्यादा सोच में एक स्पेल गया अब भाई का सोच जो करना होता बट भाई आगे का सोच ये हो गया नेक्स्ट का सोच हेलो नहीं बुमराह भाई से तो बात नहीं मैं बस जाके उनको हक करा बस दिल से ऐसा हक करा उनको सिराज दो सवाल हैं अभी नेक्स्ट सीरीज आने वाला है उसको लेके कुछ खास प्लानिंग है और विराट वीके भाई हम पिछले दो दिनों से आपके फ्रेंड सर्कल से आपके भाई से बात कर रहे हैं बार बार ये हो रहा है कि वीके भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके इस करियर में वीके भाई के बारे में बताइए इस सीरीज में उनसे बात हुई है उसका उसको लेके कोई कोई बात हुई उनसे सीरीज की जीत के बाद और आगे की क्या प्लानिंग है पहले तो पहले तो आरसीबी ने मुझे बैक किया जो मेरा इतना खराब सीजन गया था 2018 में तो आरसीबी ने बैक किया और मुझे रिटर्न किया विराट भाई मुझे हमेशा बैक करते हैं कि तुझमें है दम तू कर सकता है बस कर ज्यादा सोच मत कि मेरे से ये नहीं होगा ये ज्यादा प्रेशर मत ले बस जो है वो कर देगा बस यही साल में वही सोचा और वही किया ज्यादा प्रेशर नहीं लिया नर्वसनेस भी नहीं होता ज्यादा हेलो भैया अभी तो घर आया हूँ नेक्स्ट सीरीज के लिए जैसा वो परफॉर्मेंस हुआ कॉन्फिडेंस की बात है वही कॉन्फिडेंस नेक्स्ट सीरीज के लिए भी लेके जाऊँ उमेश यादव और शमी जब वो वापस आएंगे फिटनेस के बाद तो आप अपने रोल को कैसा देखेंगे टीम में अब टीम मैनेजमेंट है जो मुझे रोल देंगे मैं उसके ऊपर जाऊंगा कि मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा कि वो लोग आएंगे तो मेरा ऐसा होगा मैं बस ये सोचूंगा मेरी टीम मैनेजमेंट मुझसे क्या चाहती है मैं वो करूंगा आप बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं एक कमेंटेटर ने कहा कि इस सीरीज के दौरान सिराज एक लड़का से फ्रॉम अ बॉय यू बिकेम अ मैन The kind of experiences that you have gone through, क्या आपको भी लगा कि जिंदगी का बहुत सारी changes इस एक सीरीज में आपकी जिंदगी में आ गई
पर्सनली आप में क्या चेंजेस आए आपने देखा, क्योंकि आप डिप्यूटान के रूप में आए और फिर आप सीनियर के रूप में दूसरों को कॉन्फिडेंस दे रहे थे। वो तो है, क्यों बोले तो इंडिया के मैचेस हम लोग जितने भी अभी साथ थे, हम लोग इंडिया के मैचेस साथ खेले थे, तो वही मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंडिया का मैच खेल रहा हूँ। ज्यादा सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। अगर इंडिया के लिए अगर वो सोचता तो मेरे उसमें प्रेशर आता था, तो मैं वो नहीं सोचा कि बस मैं ये सोचा कि इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। वही तरह फिर से मैं बॉलिंग कर रहा था और अपने बॉलर्स को भी बैक कर रहा था। आपके चाहने वाले और दुआ जो लोग करते हैं उनके बारे में, आपको जो चाहते हैं और आपके लिए जब पीक पे आते हैं दुआ करते हैं, तो उनके बारे में अब उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और ऐसे ही दुआ करते रहे। इंशाल्लाह मैं मेहनत ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा है। प्लान तो कुछ नहीं था कि मैं बस डेविड वार्नर को जब भी बॉल डाल रहा था तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे। आईपीएल में भी वो मेरा इनस्विंग के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मेरा यही प्लान था कि उनको इनस्विंग डालूं कि उनके लिए बाहर जाए, बस वही प्लान था। मैं ज्यादा उनके लिए ज्यादा ट्राई भी नहीं करा। फैमिली सपोर्ट और मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मैं ये बोलूंगा कि ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ, अगर कुछ भी लाइफ में हासिल करना है तो बस दिल से हासिल करो, बस जुनून होना चाहिए कुछ भी करना चाहिए तो। सिराज जी हियर, यहाँ की ऑपोजिशन कांग्रेस लीडरशिप में से टॉप कांग्रेस लीडरशिप ये कहती है कि सीनियर लीडरशिप, विदाउट सीनियर लीडरशिप इंडिया कैन विन विद जूनियर्स, इसको आप कैसा देखते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि जूनियर्स में से आप भी एक सक्सेसफुल हो। तो